हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शोकत और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ राज फार्मा की जीवन ज्योति कैप्सूल के बारे में। ये राज फार्मा एक फार्मेसी कंपनी है आयुर्वेदिक, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं। एक पेटेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि हेल्थ, स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए दिया जाते हैं। ज़्यादातर मेल में स्ट्रेंथ के लिए वाइगर और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, शरीर में अगर विटामिन मिनरल्स ये सब की अगर कम हो, शरीर में एनर्जी स्फूर्ति नहीं मिले, काम करने का इच्छा ना लगे, रात में ज़्यादा देर तक जागने से शरीर में ताकत ना रहे, कोई भी जनरल वीकनेस के लिए, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, मेल पावर के लिए ये जीवन ज्योति लिया जाते हैं कि उसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन मिला हुआ है। बहुत सारा जो आयुर्वेदिक इसमें मिला गया है, इसमें टर्मिनल अर्जुना मिला हुआ है, ग्लाइसर्जिया ग्लैब्रा, सीजीजीएम, पाइपर लॉन्गम, सोलिनम नाइग्राम, क्यूमिनम, इसमें लिखा हुआ प्लम्बागो, टर्मिनला चिस्ता, एस्पेरागस और इसमें जो है सूद शिलाजीत, जो कि स्ट्रेंथ और पावर के लिए बहुत ही एसेंशियल है। सूद शिलाजीत, जिंजिवर ऑफिशनलिस, एस्पेरागस, एस्पेरागस भी एक मेल स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा दवाई है। उइदेनिया सोमनीफेरा, उइदेनिया सोमनीफेरा विथ सोम, जिसको अश्वगंधा बोलते हैं, एम्बिलिका ऑफिशनलिस, ये हजम के लिए, एम्बिलिका यानी आमलोकी, इनडाइजेशन हजम के लिए, स्टूल साफ ना होला, एसिडिटी के लिए और विटामिन सी डेफिशिएंसी के लिए ज़्यादातर एम्बिलिका दिया जाता है। म्यूकोना पुडेंस, ये भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। नेक्स्ट है इसमें सेडिका कॉर्डिफोलिया, नेक्स्ट मेडिसिन है हिबिस्कस, हिबिस्कस एस्क्लोमोकस, लेपिडम सैटिवम, अर्बक भस्म, बांग भस्म और इसमें है स्वर्ण मुख भस्म। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें कांत लोह भस्म। ये जो लास्ट जो चार है ये मेटालिक है, मेटालिक एक्सट्रैक्ट है, पाउडर बना हुआ है। अर्बक भस्म, बांग भस्म, स्वर्ण भस्म और कांत लोह भस्म, ये लोग प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है और बाकी जो ऊपर वाले है ये प्लांट से बना गया है, टर्मिनला अर्जुना से शुरू करके लेपिडम सैटिवा तक, ये सब प्लांट का है और नीचे जो चार है वो धातु से बना हुआ है, मेटल से बनाया गया है। तो ये सारी दवाई ये हर एक इंग्रेडिएंट में है, कोई चीज़ 50 मिलीग्राम पे, कोई चीज़ 30 mg, कोई चीज़ 8 mg, कोई 20 mg, इस तरह से जिस चीज़ का जितना ज़रूरत है शरीर में, जिस चीज़ का जिस अनुपात में होना चाहिए इसी अनुपात में बना गया है। अब इसका जो कैप्सूल ऐसा देखने में होता है, मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ। अब इसका जो डोज, वन कैप्सूल 3 times ए डे विथ मिल्क और वाटर और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। या तो अब इसको वन कैप्सूल यानी एक गोली 3 times आपको लेना है, सुबह
सुबह दो शाम और रात, सुबह दोपहर रात, इस तरह से आपको ले सकते हैं। आप इसको कुछ खाने का बाद ले सकते हैं और इसको गर्म दूध और गर्म या गर्म पानी में मिला के खाए तो बेहतर होगा। गर्म दूध से सबसे अच्छा होगा। आपको तीन टाइम लेना होगा, सुबह दोपहर और शाम को, या सुबह शाम और रात को। और इसका जो MRP है 201 रुपया, 201। ये राज फार्मा का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये GMP सर्टिफाइड कंपनी है। और उसके साथ साथ ये लोग को ISO 9001:2008 सर्टिफाइड भी ये लोग को मिला हुआ है। और इसमें 6 स्ट्रिप ऐसा रखते हैं, यानी आपको 2 महीना का एक कैप्सूल, एक फाइल में आपको 2 महीने का कैप्सूल मिल जाएगा। ये इसे आप बोल सकते हैं कि एक आयुर्वेदिक दवाओं का एक भंडार बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आयुर्वेदिक दवाएं मिला हुआ है। और ये बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है, आसानी से हर जगह मिलता नहीं है। और उसका जो इंग्रेडिएंट्स मिला है वो भी बहुत यूनिक है। सबसे ज़्यादा 50 मिलीग्राम और उसमें सबसे जो कम है 0.5 मिलीग्राम, यानी आप बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसमें दिया गया है। आप इसको कितना दिन ले सकते हैं? आप इसे 6 महीना तक कंटिन्यू करें तो आपका जो वीकनेस ठीक हो जाएगा, लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ स्टेमिना, लॉस ऑफ वाइगर, इस सब में आपको काम में रुचि आएगा। अब जो काम करने में अच्छा नहीं लगता था, तंदुरुस्ती नहीं आते थे, अब ये कैप्सूल आपको स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। और ये नहीं कि ये सिर्फ मेल या मर्द लोग ले सकते हैं, फीमेल लोग भी इसे ले सकते हैं। जो भी फीमेल का खान पान ठीक से नहीं हो रहा है, शरीर में विटामिन का कमी है, हाड़ में कैल्शियम की कमी है, शरीर थक रहा है, कोई भी काम करने का इच्छा नहीं लगता है, जिंदगी में रोमांस नहीं है, शरीर में कुछ काम, कोई भी काम करने चाहते हैं तो उसके कमजोरी आता है, पसंद नहीं करते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाए, ये लोग के लिए, ये फीमेल लोग के लिए भी ये दवाई इतना ही काम करेगा। वो भी उसी तरह से 1 टैबलेट सुबह, 1 टो शाम, 1 टो रात को लेंगे। ये मेल और फीमेल कोई अलग से नहीं है, एक ही दवाई दोनों के लिए है। क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये जनरल हेल्थ के लिए है, मेल फीमेल के लिए अलग से नहीं है। जैसा इसमें जो पहला प्रोडक्ट टर्मिनल अर्जुना, ये अर्जुन छाल जो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग को काम करने में थकावट आ जाते हैं, कोई भी जल्दी थक जाते हैं, सीढ़ी चढ़ने में, ऊपर में उठने से, भारी चीज़ उठाने में जिसको तकलीफ होता है, कुछ देर चलने से हाँफने लगते हैं, तो उसमें टर्मिनल अर्जुना जो एक्स्ट्रा है वो अलग से दिया जाते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग अलग से भी इसको बाज़ार में मिलते हैं। तो इसमें सब कुछ मिला के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना के दिया हुआ है कि हर एक मेल और फीमेल सबके लिए डेली लाइफ में जितना भी परेशानी हो, चाहे ये खान पान की कमी के लिए हो, विटामिन डेफिशिएंसी के लिए हो, फिजिकल वीकनेस के लिए हो, ये सारे के सारे वीकनेस पे काम करेगा। इसमें जो दिया हुआ है सीजीजियम, ये सीजीजियम ज़्यादातर शुगर में अलग से दिए जाते हैं। शुगर के लिए सीजीजियम यानी जामुन से बना हुआ है, जाम जो सीड है, जाम का एक्स्ट्रैक्ट से, वो शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं। टर्मिनल चिबुजा जो है हरी तकी पेट के लिए बहुत अच्छा है। स्टूल अगर ठीक ठाक ना हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है,
तो हर्थक ही दिया जाता है, जिसका अंग्रेजी नाम है टर्मिनला चिबुजा। और इसमें दिया गया है शुद्ध शिलाजीत, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, शरीर में स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। जिंजीबर ऑफिशियलिस यानी आधा हम लोग का डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाते हैं, आधा हम लोग खाने में ऐसे ही लेते हैं, हजम हम लोग का जो डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाने के लिए, मुंह में टेस्ट लाने के लिए जिंजीबर यानी आधा दिया जाते हैं। उदनिया सोमनीफेरा जो है विद सोम, ये हम लोग का स्लीप डिसऑर्डर के लिए, रात में नींद ना आना, इसके लिए उदनिया सोमनीफेरा दिया जाता है। एम्बिलिका मेकोना पुलिटर्स, ये लोग भी स्ट्रेंथ और भाइगर के लिए दिया जाता है। इस तरह से जो भी दवा इसमें दिया गया है, सारे के सारे बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव है। जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम हो, चाहे मेल हो या फीमेल, सबके लिए दवाई बहुत ही इफेक्टिव है। और इसके बारे में अगर आप लोग को और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।